बात मीडिया। इसमें मैं बलिया जिला के सीयर सीएसटी पे जो है मौजूद हूँ और एक बड़ी जो है घटना जो है सामने आ रही है, जहाँ आज गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस 11:38 का जो है ठहराव बेलथावाड स्टेशन पे रहा। बेलथावाड स्टेशन से जब ट्रेन छूटी है तो यह जानकारी जो है मिल पा रही है कि एक किन्नर समाज से व्यक्ति जो कि ट्रेन में चढ़ने की कोशिश किया है, ट्रेन चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, जिसमें वो कहीं ना कहीं उसका जो है पैर फिसल गया है। और आपको जो है तस्वीरों में देख सकते हैं, आपकी रेलवे लाइन पे उसका जो चप्पल पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह की जानकारियां भी मिल पा रही हैं कि उसका एक हाथ कट गया। तो सीएससी में हम मौजूद हैं, आपको जो है डॉक्टर की बाइट जो दिखाएंगे, डॉक्टर से जो समझेंगे कि क्या मरीज की जो स्थिति है, किस तरह से जो है उसकी संभावनाएँ हैं कि हाथ उसका जुड़ पाता है या नहीं। यहाँ पर किन्नर समाज के कुछ लोग हैं जो लोग मदद के रूप में जो उसे यहाँ पर लेकर के आए हैं, क्या हुआ था, क्या नाम? जी, मेरा नाम पूजा है, मैं बेलता रोड में रहती हूँ और मैं उधर से मार्केटिंग करके जा रही थी। ढाला बंद था करासिन, वहाँ बंद था तो मैं वहाँ पे खड़े हो गई ट्रेन जाने के, मतलब ट्रेन चली जाएगा फिर हम जाऊँगी। उतने में इनको देखी हूँ कि ये जा रहे हैं, ये गई हैं ट्रेन को। गुड़िया मैम रहने वाले, ये नेपाल के रहने वाले, तो फिर ये गई है ट्रेन वहाँ से खुल गई, मतलब चलने लगी हल्की हल्की, तो ये जाके पकड़ने गई हैं। जब पकड़ी हैं उसको, इसका हाथ फिसल गया है, फिसल गया तो उसे पौधन पकड़ के लटकी हुई है, तो लटकी हुई कुछ दूर तक गई हैं, कुछ दूर तक गई जब प्लेटफार्म जैसा खत्म हुआ है बस वहीं पे गिर गई हैं। तो गिरी हैं तो उसे घुलट ऐसे गिरने के बाद उसे पलट हो जाता ना, तो उसका हाथ पटरी पर चला गया, हैंड बाया हाथ और हाथ कट के अलग हो गए हैं। तो इनको लेकर हाँ, तो हम वहाँ थी, हम उसको उठा के लाकर अस्पताल में ले गए। अभी डॉक्टर बोले इसको यहाँ से ले जाओ लखनऊ ले जाओगे तो उसका हाथ ज्वाइंट हो जाए। तो क्या कर रहे हैं, भेजने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं ये भी बहुत बड़ी जो है घटना हुई है और गोरखपुर एक्सप्रेस से ये लोग जो है किन्नर समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने जो है यहाँ हॉस्पिटल से जो है शिफ्ट किया गया है। आइए जो देखते हैं इस संबंध में डॉक्टर साहब को देखते हैं। पुणे एक्सप्रेस थी गोरखपुर पुणे, उससे जो है एक किन्नर समाज के एक व्यक्ति का जो है हाथ कट गया है। आइए जो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम सोनकर जी मौजूद हैं हमारे साथ, जो इमरजेंसी सेवा जो है सीएससी में देख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि मरीज की क्या स्थिति है और कितने जो है उसकी संभावना है हाथ जुड़ने की। सर जो है आपका भारत मीडिया में स्वागत है। सर जो आपके पास एक पेशेंट आया है, अभी आपने ट्रीटमेंट किया, उसके बारे में। मेरे पास, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह सोनकर, अभी मेरे पास एक पेशेंट किन्नर समाज की एक पेशेंट आई है, जो उनके वो बता रही हैं कि है कि रेलवे से इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिससे कि उनका बायां हाथ कट गया है। हमने प्राथमिक उपचार किया है और बाकी हमने हायर सेंटर के लिए एडवाइस किया। जो हाथ कटा है सर, जो पूरी तरह से अलग है या जुड़ा हुआ? जो उनका लेफ्ट साइड का फोर आर्म हाथ है वो पूरी तरीके से अलग हो गया है। कितनी संभावना है सर उसके जुड़ने? अगर वो हाथ अगर मिल जाता है, अगर उनके पास अगर वो सर्च कर लेती हैं तो लिहाजा वो 8 घंटे के अंदर अगर वो हायर सेंटर के जेएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज लखनऊ में पहुंच जाएंगे तो जुड़ने की संभावना नियर अबाउट करीब 80% 8 घंटे के अंदर? हाँ, 8 घंटे के अंदर। तो सर क्या हो, अन्यथा उसको डिवोर्स कर दिया जाए। जो मतलब जहर वगैरह फैलने की क्या संभावना? हाँ, उसमें होता ये है कि वो वहाँ के सेल से डेड होने लगते हैं और कालापन पड़ने लगते हैं अधिक समय लगने के वजह से। तो आप देख सकते थे डॉक्टर जो है विक्रम सोनकर हैं, उनका जो है इस संबंध में जो है साफ तौर से जो है कहना है कि अगर 8 घंटे के अंदर उसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है लखनऊ में अगर एडमिट कराया जाता है और वह जो कटा हुआ हाथ भी अगर मौजूद रहेगा तब जो है कहीं संभावना है कि वह हाथ जुड़ सकता है, अन्यथा जो है हाथ से जो है एक हाथ होना पड़ेगा और यहाँ तक घर पहले की भी संभावना है। तो भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ सफीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहें भारत मीडिया के साथ।